हेलो दोस्तों, एटजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बीएससी कैंडिडेट हैं, अगर आप भी मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं 11,329 छात्रों में अगर आप भी हैं, तो फ्रेंड्स इतना तो कंफर्म है कि एक ना एक दिन आपका ज्वाइनिंग होना एकदम तय है। और जो पूरी संभावना बन रही है ज्वाइनिंग की, वो जुलाई के लास्ट वीक में। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अभी तक आयोग ने क्या क्या स्कोर कार्ड नहीं जारी किया है। डोजियर जो है विभाग को भेजा गया है, ये तो अभी सूचना मिल रही है, लेकिन कब तक जो है अनुशंसा हो जाएगी, किस जिले में किसको जाना है, ये अभी तक जो है आयोग ने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये अंदर ही अंदर जो है प्रक्रियाएं चल रही है, जिस प्रकार से सूचना है, क्योंकि जब मेरिट आता है उसके बाद अंदर ही अंदर काफी तेजी से कार्य चल रहा होता है, छात्रों को जानकारी तक नहीं होती, और वही हो रहा है। मतलब जुलाई के लास्ट में अगर आप देखें तो आपका ज्वाइनिंग, मेरा ज्वाइनिंग, जितने भी छात्रों का रिजल्ट हुआ, सभी का ज्वाइनिंग होना एकदम तय है। ये तो बात हुई ज्वाइनिंग की, क्योंकि अभी छात्र ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं, कुछ आपको हम पहले दिखाते हैं क्या चीजें हैं, उसके बाद ही हम फिर आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक वोटिंग किया गया है। देख सकते हैं कि बीएसएससी के सफल छात्रों से अनुरोध है, कृपया अपनी ईमानदारी का परिचय दें। आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बीएसएससी को ज्वाइन नहीं करने वाले? तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मैं रेलवे में हूँ, इसी में रहूंगा, बीएसएससी ज्वाइन नहीं करूंगा। 19% छात्र ऐसे हैं जो कि एकदम वोटिंग में क्लियर और क्रिस्टल कर दिए हैं। इसमें एक तरह से देखें तो कि जो है 19% छात्र ये कह रहे हैं कि मैं रेलवे में पहले से हूँ और बीएसएससी ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर देखिए दूसरा में क्या लिखता है कि मैं सरकारी सेवक हूँ लेकिन बीएसएससी ज्वाइन करूंगा। तो जो ज्वाइन करने वाले उसको हम अभी नहीं देख रहे फ्रेंड्स, ये ज्वाइन करने वाले हैं, ये ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। यहाँ देखिए, मैं दरोगा में हो गया है, मैं नहीं आऊंगा बीएसएससी में, यानी 7% ऐसे हैं जो बीएसएससी में नहीं आने वाले। फिर नीचे जब आते हैं फ्रेंड, सबसे अधिक जो वोटिंग हुआ, देखेंगे, मैं पहली बार कोई नौकरी करूंगा वो भी बीएसएससी की, और इसमें 39% छात्र हैं जो कि एकदम ज्वाइन करने वाले। और फ्रेंड्स, यहाँ 14% इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो है नहीं करने वाले। तो इसमें 21% और 39% आप जोड़ेंगे तो लगभग 60% होता है, और ये छात्र क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सवाल ये है, देखिए 11,329 छात्र है जिसका मेरिट में नाम है और सभी का ज्वाइनिंग होना है, और ये बहुत जल्द जो है ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें आप देखें 19% जो ज्वाइन नहीं करेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि 7% जो है फ्रेंड्स दरोगा में हो गया लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ये दोनों के मिलकर अगर देखेंगे तो लगभग 25% होता है। और इसका 25% जब आप निकालेंगे कि इसका कितना जो है 25% कितना होगा फ्रेंड्स, तो हम 25% मान लेते हैं, नहीं ये गलत हो सकता है, इसका हम 20% निकालते हैं। 11,329 का अगर आप 20% निकालेंगे फ्रेंड्स, लगभग 2100 छात्र ऐसे होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे बीएसएससी। मतलब इतनी सीटें तो खाली रहेंगी, कंफर्म हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि इतना भी नहीं, 1000 छात्र मान लेते हैं, 2100 में 1000 छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 1000 सीट जो खाली रहेगा, 1000 सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर 1000 अगर भीड़ को आप दिमाग में चला कर देखें तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कितना स्टूडेंट होता रहा। आपको पता है कि आपके साथ ही यहाँ तक 8 साल तक झेले हैं सभी स्टूडेंट, और जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उसका इंतजार करना एकदम लाजमी है, जायज है। मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, मैं देखिए अभी तक मैंने इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जब तक सभी छात्र का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक ये सब मुद्दे अभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग सबका प्रक्रिया एकदम होना तय है। लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ कि आपको आखिर देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब बीएसएससी इसमें क्या करेगी, अब सेकेंड लिस्ट जारी करेगी कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन जारी करना चाहिए, क्योंकि 8 साल से एकदम यहाँ तक तो पहुंचे हैं छात्र नेता। दिलीप कुमार भी यही कह रहे हैं कि जो सीटें बच गई है सभी छात्रों का ज्वाइनिंग होने के बाद, आप सेकेंड लिस्ट भी जारी कर दें, सीट खाली नहीं रखें, क्योंकि 8 साल तक ये भी छात्र जो है प्रताड़ना झेले हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, अगर सेकेंड लिस्ट आती भी है तो आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी छात्र बीएसएससी के हैं इंतजार करिए, देखिए, क्योंकि बीएसएससी ने खुद कहा कि हम भविष्य में कभी अगर सेकेंड लिस्ट निकालेंगे भी तो 177 छात्रों के लिए, ये तो उसने उस टाइम कहा अपने डाटा के हिसाब से। लेकिन जब इतने छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे, कर्मियों की कमी होगी, तो देखिए अब छात्र क्या करेंगे। और आयु हालांकि सेकेंड लिस्ट आना चाहिए, इस सभी छात्रों को ज्वाइनिंग होने के बाद सेकेंड लिस्ट आयोग को देनी चाहिए, छात्रों को कुछ मौका देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।